आज है हमारा लेक्चर फोर ना, लेक्चर फोर, और जिसमें हम लिखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम है। देखो जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर में वन में हमने क्या पढ़ेगा, प्रस्तावना, प्रेम्बल इसको बोलते हैं, पूरा पढ़ लिया। और अब जो पहला चैप्टर है, मतलब कि जो संविधान स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमारे संविधान का पार्ट वन, मतलब कि भाग एक, किसी चीज से संबंधित है ना। और इसमें आर्टिकल कितने आते हैं, एक से लेके चार तक आते हैं। और इसी से रिलेटेड शेड्यूल है, शेड्यूल वन भी इसी से रिलेटेड है, शेड्यूल वन भी इसी से रिलेटेड। ये तीन बेसिक फैक्ट। अब जल्दी लिस्ट का वो देख लो क्या क्या है। आर्टिकल वन क्या कहता है, पहले मैं बता दूं क्या इसमें करने वाले क्या है। आर्टिकल वन क्या कहता है, आर्टिकल वन क्या भारत और भी कुछ, यानी इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, या दैट इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंग्लिश में अगर आप पढ़ो तो क्या लिखा, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी मतलब अभी लोग बताएंगे सब। पहले आगे तो बन क्या है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ आर्टिकल वन है। अभी क्या है इसके बारे में हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। आर्टिकल टू क्या कहता है, इसकी पूरी लैंग्वेज है तो मैं पूरा नहीं लिखूं, आर्टिकल टू ये कहता है अगर पार्लियामेंट जब चाहे, जब उसको सही लगे, तब किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को वो भारत के क्षेत्र में शामिल कर सकती है। अब इंग्लिश में दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है एडमिट और एक होता है एस्टैब्लिश है। अभी मैं आपको भेजूंगा एक फोटो, उसमें रख दिया। ठीक है, भारतीय पार्लियामेंट जो है जब उसको सही लगेगा तो भारत के क्षेत्र में किसी राज्य को या किसी क्षेत्र को एडमिट या इस्टैब्लिश कर सकते। इसके दो मतलब है, अगर वो किसी चीज को किसी दूसरे क्षेत्र, जैसे भारत की एक टेरिटरी बन रही है, जैसे आप देखना है ना कि भारत है हमारा। अब सपोज दैट यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक, सपोज दैट एक आइलैंड, और ये आइलैंड किसी कंट्री एरिया में है, ये है उसके अधिवासन में आइलैंड। अगर भारत को लगता है तो इस वाले आइलैंड को भारत के क्षेत्र में वो शामिल कर सकते हैं। तो अगर भारत की पार्लियामेंट को ये लगता है और जब उसको सही लगेगा, तब वो कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, अब ये आइलैंड कहाँ है, भारत उतना ही है, ये बाहर है ना, इस क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। अब यहां पे दो कंडीशन है, या तो ये क्षेत्र ऐसा होगा कि किसी के अधिकार में हो, तब उसको इसमें लेके शामिल करे। एक तो कंडीशन ये होगी किसी के अधिकार से पहले कोई देश होता है, यहाँ पे कंट्री के अधिकार क्षेत्र में हो सकता है कि ये किसी भी कंट्री के अधिकार क्षेत्र में हो ही ना, एक तो विधान पड़ा हो किसी का अधिकार ना हो, तो भारत हमारे यहाँ पे जाएंगे इसको स्टैब्लिश करेंगे फिर भारत का हिस्सा बना लेंगे। ये दो पॉइंट, एक ऐसा क्षेत्र जो भारत का, भारत की भेद कंपनी से एकदम अलग है,
उसको अगर भारत में शामिल करना है तो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। और इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि ये देश, ये पर्टिकुलर क्षेत्र किसी कंट्री के आधिपत्य में हो, तब उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। या ये किसी भी देश के आधिपत्य में ना हो, एकदम वीरान पड़ा हो, वहां पर भारतीय लोग जाए, उसको एस्टैब्लिश करें और फिर अपने में शामिल। ये दो कंडीशन, ये दो काम जब होंगे वो किस आर्टिकल के तहत होंगे? आर्टिकल 2 के तहत। नहीं देना जाएगा, मैं होता जब वो देने के लिए राजी हो रहा है, जैसे हाँ मतलब अब उसके लिए क्या होता है, अब जैसे हम अगर उससे लेंगे तो कैसे लेंगे, उसके लिए कुछ इंटरनेशनल टूल होते हैं, जैसे सेशन, सब्जुकेशन, और उसके बाद होता है किसी के ऊपर हम हमला करके भी ले सकते। सपोज हमने के ऊपर हमला कर दिया, अब ये जो जमीन है ये तो हम एक्वायर कर लेंगे ना पूरे तरीके, तो वो इंटरनेशनल लॉ अभी हम आगे बताएंगे। इसके बाद ये क्या है, ऐसा क्षेत्र जो भारत का पार्ट कभी नहीं। तीसरी कंडीशन क्या, आर्टिकल 3 क्या है? एग्जैक्टली यस, उसमें याद करना एक वर्ड याद रखना, फिदा। फिदा, फिदा का मतलब एफ फॉर क्या होता है, एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब कि नए राज्यों का गठन करना। हो सकता है कि एक राज्य हो जैसे आंध्र प्रदेश, हमने उसको अलग करके नया तेलंगाना बनाया, तो तेलंगाना का फॉर्मेशन किया था तो वो एफ के अंदर आएगा। पाकिस्तान अलग है, पाकिस्तान का अलग प्रोसेस, ये संविधान बनने की बात हो रही है। भारत के अभी देखो आर्टिकल तो क्या कर रहा है, ऐसा क्षेत्र जो भारत का भाग नहीं था उसमें भारत शामिल कर रहा है। अभी जो बात हो रही है वो भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये भारत के क्षेत्र है। आर्टिकल 2 में भारत के बाहर वाले की बात हो, अब आर्टिकल 3 ये कहता है कि इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी कोई अगर एक नया स्टेट बन रहा है तो नया स्टेट कैसे बनेगा, या तो किसी एक स्टेट को काट के हम बनाएंगे, या छोटे छोटे दो स्टेट को जोड़ के बनाएंगे, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को जोड़ के बनाएंगे। तो जब इसी क्षेत्र के भीतर रहते हुए हम इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को तोड़ के हमने क्या बनाया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, भारत के अंदर ही तो बनाया। इसी तरीके से दादर नागर हवेली और दमन दीव दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी हमने बना दी, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो भारत के अंदर ही तो ये बाउंड्री थी। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत की जो बाउंड्री है उसके भीतर ही अगर हम उसके पॉलिटिकल मैप में किसी भी तरह का चेंज करेंगे तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। और आर्टिकल 3 में क्या क्या चीजें हैं इसको हम फिदा से याद करते हैं। पहले में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इसका मतलब फॉर्मेशन, इसका मतलब है फॉर्मेशन। आई का मतलब है इंक्रीज एरिया ऑफ एनी बॉडी, एनी स्टेट, इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट मतलब किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, तो इंक्रीज द एरिया, आई का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। डी का मतलब डिमिनिश, मतलब कम करना, अगर आप बढ़ा सकते हैं तो किसी के क्षेत्र को कम भी कर सकते, जैसे आपने किसी के क्षेत्र को कम कर दिया। बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और आखिरी क्या है, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ये आर्टिकल 3 के मेन होते हैं। पहला फॉर्मेशन हो गया, आई का मतलब किसी भी राज्य की बाउंड्री को, इस एरिया को, ध्यान रखो एरिया को अगर इंक्रीज करना, एरिया का मतलब समझ रहे हो,
हो सकता है किसी राज्य का एरिया जो है वो 3500 स्क्वायर किलोमीटर हो, सपोज है वो छोटा, लेकिन हमने उसका एरिया 3500 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 45 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया, तो एरिया बढ़ाया ना। अब एरिया कैसे बढ़ाया वो बोला, एरिया अगर बढ़ गया तो भी आगे टीम के तहत। अब तीसरे में क्या है, डिमिनिश द एरिया, अगर किसी एक स्टेट का एरिया 35 स्क्वायर किलोमीटर है, हमने उसको डिमिनिश कम कर दिया 25 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब देखो ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एन स्टेट, हो सकता है ध्यान देखो एक चीज ध्यान देखा, इसको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मान लो कि हमारा एक स्टेट है सपोज है, और इसका वो है एरिया जो है वो 35 स्क्वायर किलोमीटर सपोज है, तो अगर हम इसको करके ऐसा कुछ करते छोटा करते 25 स्क्वायर किलोमीटर, तो एरिया को हमने क्या किया, डिमिनिश किया है ना, तो किसके तहत होगा ये। अगर इसी को हम और बड़ा कर दें 45 स्क्वायर किलोमीटर, तो हमने इंक्रीज कर दिया। अब ये तीसरा क्या है, मतलब ये है कि ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, अगर कोई राज्य है उसकी बाउंड्री को हम ऑल्टर करते हैं। तो आप लोग मन में क्वेश्चन, अगर किसी भी राज्य की बाउंड्री को हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसका एरिया भी तो छेड़छाड़ हो जाएगा, माइथी भी हो सकता है और हो सकता है ना भी हो। जैसे सपोज है हमने कहा कि जैसे कोई एक राज्य यू बना हुआ है, हमने कहा यहां से इसकी राज्य की जो सीमा है अब वो हम यू कर देते हैं, तो हमने क्या, अगर हम राज्य की सीमा ऐसे करेंगे तो होगा क्या कि इस इतने इस बार एरिया तो खत्म कम हो जाएगा ना, तो एरिया ना कम हो लेकिन खाली बाउंड्री चेंज हुई, तो हम इसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर पाते ताकि बैलेंस हो जाए। समझ कर लो, तो क्या है, अगर चाहे किसी भी नए स्टेट का फॉर्मेशन हो, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ाया जा रहा हो, किसी भी स्टेट का एरिया कम किया जा रहा हो, किसी भी स्टेट की बाउंड्री बढ़ाई जा रही हो या कम की जा रही हो, ऑल्टर की जा रही हो, या किसी भी राज्य का नाम बदला जा रहा हो, ये सब आर्टिकल 3 के तहत होगा। और इस आर्टिकल के तहत ये सब करने की पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास है, ये ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं, पार्लियामेंट के पास है। सिंपल सा बात, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं, कोई ज्यादा कुछ। और आर्टिकल 4 आते हुए जल्दी से क्या है, फिर उसके बाद जैसा चलते हैं। आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 बस ये कहता है, ध्यान देखो एकदम इसी तरह याद हो जाना चाहिए। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के तहत जितने भी चेंजेस पार्लियामेंट ने किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माने जाएंगे, मतलब कि वो सिंपल मेजोरिटी के साथ करते रहेंगे। आर्टिकल 2 के तहत अगर हमने कोई चेंज किया या आर्टिकल 3 के तहत हमने कोई भी चेंज किया, वो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ये काम सिंपल मेजोरिटी के जरिए से कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी के जरिए से कर सकती है। अभी क्या है, अभी चीजें क्लियर होंगी, यहां पर यह है 3-4 आर्टिकल आपकी जो है। ये बेसिक बेसिक सभी आर्टिकल है। आर्टिकल सबको एकदम रट जाने चाहिए। अब जितने आर्टिकल अभी पढ़ाए जाएंगे 1 से लेकर 51 आर्टिकल तक तो आपको याद होना चाहिए। अब आज के बाद ये भूलना नहीं चाहिए, कोई भी पूछ ले, नहीं भी पूछ ले, कैसे भी पूछ ले आपको बता दो, ठीक है। चलिए फिर से करें, रिवाइज करें, सरप्राइज करें। आर्टिकल 1 क्या कहता, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये आर्टिकल 1 है। अभी याद करो क्या है, अभी मैं बताता हूं।
आर्टिकल 2 क्या कहता कि कोई भी ऐसी टेरिटरी जो भारत का पार्ट नहीं है अगर उसको भारत अपने में एडमिट करता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत पर आ जाएगी, जो भारत का पार्ट नहीं है। अब भारत का पार्ट नहीं है इसका मतलब क्या है, भारत से बाहर कहीं है, तो भारत से बाहर है तो उसके साथ दो कंडीशन है, या तो वो कोई देश उसको देख रहा होगा, किसी देश के अंदर होगी तो वो भारत उससे अपने में शामिल कर ले, या ऐसी कंडीशन हो सकती है वो किसी भी देश के आधिपत्य में नागरिकों से रिली पड़े तो भी भारत उसको जाए फिर अपने में जाके वहां पर कुछ ऐसा एक्शन कर कह देगी आप रिली करें। तो ये प्रोसेस, जब किसी देश से लेंगे तो उसको एडमिट करना बोलेंगे, और जब कोई देश उस पर आधिपत्य नहीं रखना होगा, जब कोई भी देश उसके ऊपर आधिपत्य नहीं रखा होगा तो उस देश को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आर्टिकल 2। और ये ध्यान रखना आर्टिकल 2 के तहत जो भी ऑर्बिट्रेशन की जाती है वो भारत का पार्ट नहीं है। अब आर्टिकल 3 पे आते हैं, आर्टिकल 3 क्या है, भारत का एक अपना पूरा मैप है, पॉलिटिकल मैप है, जिसमें 28 स्टेट या 8 यूनियन टेरिटरी है, अगर इसमें किसी भी तरह का चेंज होगा तो वो आर्टिकल 3 के तहत कार्य करता है, मतलब भारतीय बाउंड्री भारतीय पॉलिटिकल मैप में अगर किसी भी तरह का चेंज होगा तो आर्टिकल 3 के तहत। अब चेंज क्या क्या होगा, हो सकता है हम दो स्टेट को जोड़ के एक नया स्टेट बना दें, फॉर्म कर दें, हो सकता है किसी के एरिया किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा दें, किसी स्टेट के एरिया को कम कर दें, किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर दें, किसी स्टेट के नाम को चेंज कर दें, इस तरह का कोई भी, ये भारतीय अधिकार क्षेत्र है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलना हो तो कैसे होगा, ये तो स्टेट का नाम बदलना है, स्टेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर बदलना हो तो कैसे होगा, जैसे बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, झांसा ब्लॉक है, उसका नाम बदलना हो बहराइच करना प्रोसीजर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल है या नहीं, एक बार इसको देखना और बताना है कि नहीं, अभी मत देखने लगना, डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लखनऊ एक डिस्ट्रिक्ट है, अब लखनऊ का नाम बदल कर अगर लक्ष्मण नगर कर दिया जाएगा तो क्या होगा, चेंज होगा ना, तो अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल, मैं किसी सिटी किसी चौक की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, उसको चेंज करना होगा तो कैसे, ये हो गया आगे के 3 पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट करेगी वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है वो दो तरीके से होता है, देख लो वो किससे होता है, स्पेशल मेजोरिटी से होता है, और स्पेशल मेजोरिटी दो तरह की है, स्पेशल मेजोरिटी दो तरह है, तो कई तरह की, लेकिन एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह की है, नंबर वन क्या है, और ये बताओ यार तुम बताओ यार एक कंडीशन है नॉर्मल जिसमें दो कंडीशन फॉलो होती है, पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी लोग आए हैं प्रेजेंट है और उसकी वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3, और दूसरी कंडीशन क्या है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वो भी फिर पास होना चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है, आपको पता है तुम लोगों को कुछ नहीं पता है खासकर मेजोरिटी में, एक मेजोरिटी के लिए मैं वीडियो लाऊंगा पूरी जिसमें एब्सोल्यूट इफेक्टिव ये सब चीजें, अभी के लिए फिलहाल क्या याद रखना है कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होता है वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, और स्पेशल मेजोरिटी भी दो कंडीशन की होती है, एक नॉर्मल स्पेशल मेजोरिटी होती है, अभी कंडीशन बता दो तो कंफ्यूज हो जाओ, एक नॉर्मल स्पेशल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट की कंसर्न से होता है,
मतलब इस तरह के प्रावधान की जरूरत इन वाले चीजों में नहीं पड़ेगी, सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो अगर उसमें घुसेंगे ना तो फिर वही पढ़ाएंगे और वो चाहेगा, है ना। आगे बढ़ो, ये हो गया चार आर्टिकल। अब एक एक आर्टिकल पढ़ते हुए थोड़ी डेप्थ में चलते कि भाई ये तो हो गया, इतना कर लोगे तो आपके फैक्शन ठीक है। आर्टिकल 2 मींस जो भारत के बाहर, भारत के बाहर जो भारत का क्षेत्र नहीं है। सर जैसे अगर अधिकार क्षेत्र में है तो उससे वहां पर हमको लाने के लिए कई प्रोसेस करने पड़ते हैं। क्या होता है? कॉन्क्वर, सेशन, रियाक्ट जिसको बोलते हैं। अभी बताएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बात आर्टिकल 1 से और इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। ये तो था एकदम ऊपर की थोड़ी थोड़ी सी चीज़ है, डरना नहीं बिल्कुल नहीं होगा, इसी वजह दूसरा क्लास। चलो अब आर्टिकल 1 का बहुत धागा होता है। सर अगर अमेंडमेंट के थ्रू नहीं हो रहा है तो फिर हमने जैसे इसके पीछे कंडीशन दूसरी है, अभी इसके बारे में डिस्कशन होगी। मुझे पता है ये लेक्चर बहुत ही लेगा, पहले स्टार्ट करते सर आएंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है और इसका आंसर डीडी बस भी दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। चलो क्लास आगे, अभी सब आएगा, सर आएगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है ध्यान से देखो। मैं सब मोबाइल का एक इमेज सेंड कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल पर व्हाट्सएप कर और देखो कोई भी चीज पढ़ना तो ब्लाइंडली उस पर फेथ मत कर लेना जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मत पढ़ो। सुपर 23 यूपीएससी सब पे डाले जाओ। तो ये आर्टिकल है कुछ पढ़ते हैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है लक्ष्मीकांत ऊपर से ऊपर से एकदम हर टाइप को दिखा रहे हैं। चलो आर्टिकल 1 देखो क्या लिखा है। आर्टिकल 1 के सामने लिखा हुआ नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब आर्टिकल 1 हमको क्या बताता है किसी भी भारत का नाम क्या है। अगर हम आर्टिकल 1 को पढ़ लेंगे तो भारत के नाम के बारे में जान जाएंगे और दूसरा भारत में जो उसका क्षेत्र है, टेरिटरी जो है, जो उसका राज्य क्षेत्र है वो कितना है, उसके बारे में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। भारत का नाम क्या है इस पर बड़ी बहस हुई संविधान सभा में कि भारत का नाम रखा क्या जाए, भारत जो कि पुराना ऐतिहासिक नाम था उसको रखा जाए या मॉडर्न जमाने वाला इंडिया रखा जाए, तो बड़ी बहस हो गई। तो इस बहस को खत्म करते हुए कहा दोनों रख लो, इसी वजह से क्या लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, ये प्रूफ हो गया, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब उसके बाद क्या आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का एक संघ है। तो यहां पर कई स्कॉलर्स ने बोला कि भैया आप जो है देखो यहां देखो कोई डेप्थ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट, तो कई लोगों ने कहा कि आपने फेडरेशन ऑफ स्टेट जो ली। अगर आप हिंदी में इसके लिए जाएंगे तो यूनियन और फेडरेशन दोनों के लिए वर्ड संघ मिलता है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको यहां पर हिंदी इंग्लिश का ही सहारा लेना पड़ेगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ यूनियन ऑफ स्टेट, लोगों ने कहा कि आप फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, आपने फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं लिखा। तो इस बात का जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया और इसके लिए दो रीजन बताए, कहने लगे हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट दो वजह से नहीं लिखा, जिसमें से सबसे पहली जो वजह उन्होंने बताई
उन्हीं ने कहा कि हम लोगों का जो भारत है वो यूएसए की तरह फेडरेशन नहीं है। तो वो कह रहे हैं क्या बता रहे हैं, खुल के बताइए, समझाइए। हमें नहीं पता कि 64 जगह पे पीएचडी किया आपने, 64 सब्जेक्ट में की है, हमें नहीं पता, हमें पीछे बात। फिर का सुनो, अमेरिका का जो फॉर्मेशन हुआ, जब अमेरिका बना उसमें क्या था कि कुछ स्टेट आए, उन्हीं ने कहा कि भैया ऐसा है कि अब हम लोग अलग अलग नहीं रहना चाहते, मिलजुल के एक नया राज बना दो। तो क्या हुआ, अमेरिका ने एक छोटा सा स्टेट ऐसे ऐसे स्टेट थे, उन्हीं ने कहा भैया ऐसा है कि हम लोग अलग अलग नहीं रहते, चलो मिलके एक बेहतरीन सा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं अमेरिका। यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट आए वो मिले तब एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जब ये बन रहे थे तो उन स्टेट ने ये कंडीशन रखी थी कि हमारी ऑटोनॉमी के ऊपर कभी हर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब हमारी आइडेंटिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। मतलब अगर टेक्सास है तो टेक्सास को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो बीवर अमेरिका ने कहा कि हम इस तरह नहीं बने, हम कैसे बने, हम पहले एक भारतीय राज्य हैं और हमने एडमिनिस्ट्रेशन देश में अच्छे तरीके से हो सके इसलिए हमने भारत को छोटे छोटे से हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मतलब हमारा राज्यों के साथ सहमति नहीं है, बल्कि जैसा कि अमेरिका में राज्यों की सहमति हुई तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना, लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया में। इंडिया पहले एक राज्य है, पूरा एक कंट्री है, उसने क्या काम किया कि एक ही जगह पे एक सल्लब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से जुटाया तो देश को छोटे छोटे से हिस्सों में डिवाइड। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंट के लिए, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, ताकि प्रशासन हमारा अच्छे से हो सके, इसलिए हमने जो भारत है उसको छोटे छोटे से हिस्सों में किया। पहला कंडीशन ये है। अब इसे होगा क्या, ध्यान देना, यहां पर राज्यों को पूरी ऑटोनॉमी है, उनका अस्तित्व हमेशा बरकरार रहेगा, मतलब उनको खत्म नहीं किया जा सकता। इसी मेन कंडीशन पे ये सब राज्य आपस में मिले थे कि हमारे अस्तित्व में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स कि उनके जो स्टेट हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। कैसे है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब कि अखंड है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन भारत में क्या है, भारत ने क्या कहा, हमने राज्यों में तोड़ा ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से दे सके। और किसने तोड़ा, पार्लियामेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इट मीन्स क्या है कि भारत का जब मन करेगा, जैसे मन करेगा, जहां पर मन करेगा, वो भारत के राज्यों को तोड़ भी सकती है, नाम भी बदल सकती है, बाउंड्री भी चेंज कर सकती है, उसके एरिया को भी ऑल्टर कर सकती है। इट मीन्स कि भारत में राज्यों को तोड़ा जा सकता है, उनके अस्तित्व की गारंटी नहीं ली गई है। इसी वजह से भारत के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि भारत के जो स्टेट हैं वो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट हैं, मतलब कि जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तोड़ा या चेंज किया जा सकता है। ये पहली कंडीशन बताई किसने, किसने बताई, भीमराव अंबेडकर। अब एक दूसरी कंडीशन भी भीमराव अंबेडकर जी ने बताई थी, जो बता सकता है वो क्या थी, वहां के स्टेट के पास के पावर। जब बोलिए फॉर्मेशन किया आपने, बोला कि हमारी ऑटोनॉमी एकदम खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारा अस्तित्व मेंटेन रहना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है, और अगर वो चाहेंगे तो वो अलग भी हो, भारत के साथ ऐसा नहीं है कि अगर भारत का कोई राज्य है वो चाहे कि हम भारत से अलग होकर एक नया क्षेत्र बना लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स No state has a right to secede from the union. ठीक है, इट मीन कि यहां पर जो संघ है उसमें कभी चेंज नहीं आएगा। राज्य डिस्ट्रक्टिबल हो सकते हैं लेकिन हमारा जो संघ है वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। समझ रहे, भारत के राज्य तो डिस्ट्रक्टेबल है, उसको कौन तोड़ सकता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट तोड़ सकती है, तोड़ती है आर्टिकल 3 के तहत कई स्टेट को तोड़ा, जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ा, यूपी को तोड़ के क्या बनाया उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को तोड़ के क्या बनाया, मध्य प्रदेश को तोड़ के क्या बनाया है भारत ने, तो महाराष्ट्र को क्या बनाया, छत्तीसगढ़ किसको तोड़ के बनाया गया, झारखंड किसको तोड़ के बनाया गया, अभी ये सब याद करना आगे सब आए, ये सब पैक करना कि किसी भी भारतीय राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संघ को छोड़ के चला जाए, इट मीन कि जो भारत का संघ बन गया वो अटूट है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसी वजह से निकल गया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। और इसी बात को देखते हुए हमारे भारतीय संविधान की क्या बात बोली जाती है कि भारतीय संविधान के आधार पर जो भारतीय जो इसके लिए फ्रेज यूज किया जाता है दिस स्टेट ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब कि भारत के संघ को कभी नहीं तोड़ा जा सकता बट भारतीय राज्यों को तोड़ा जा सकता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ये बेसिक फैक्ट है, बात समझ आ रही कि नहीं, तो ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से हमने फेडरेशन की जगह पर यूनियन बन गया, ये है आर्टिकल वन का एक छोटा सा पार्ट, नाम डिफाइन हो गया और यूनियन ऑफ स्टेट हमने क्यों रखा ये डिफाइन हो गया, तो क्या आर्टिकल वन यहां पर खत्म है, नहीं, आर्टिकल वन में उसी के नीचे एक लाइन और लिखी है, देखो अब आर्टिकल वन में मैंने अग्रीमेंट देखी उसकी एक लाइन और लिखी, उसको देखो ये है पूरा आर्टिकल, क्या लिखा हुआ है कि द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब कि ये जो हमारा पूरा भारत बना है इसमें आता क्या क्या है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें राज्य आते हैं और प्रथम अनुसूची में दी गए जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं वो सब भी इसमें आते हैं, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखो, आप इसको याद तो नहीं रखते लेकिन अब यहां पर ध्यान रखो, इसको मैं बता दूं ये कोई इंपॉर्टेंट हो गया, अब ध्यान रखो आर्टिकल वन के तहत ही एक चीज और भी है, एक कॉन्सेप्ट है कि ये तो हमने बता दिया कि हमारे पॉलिटिकल मैप को चेंज नहीं किया जा सकता, हमारे भारत का नाम क्या है, अब हमने इसी आर्टिकल के तहत बताया कि भारत में आता क्या क्या है, तो उस चीज को बताने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है, हमने क्या यूज किया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब ध्यान रखना ये वर्ड हमने यूज किया किस वर्ड की जगह पर, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पर, कंफ्यूज मत होना, यूनियन ऑफ स्टेट एक डिफरेंट थिंग है, यूनियन ऑफ इंडिया एक डिफरेंट थिंग है, यूनियन ऑफ स्टेट हमने यूज किया था इस वजह से कि हमारा जो वे ऑफ फॉर्मेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से हमने अलग अलग किया है, इस वजह से हमने यूनियन यूज किया था क्योंकि हम फेडरेशन यूज कर रहे थे, अब यहां पर जो वर्ड है वहां पे है कि हमने उस भारत के क्षेत्र में आता क्या क्या है उसके लिए हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया यूज किया है, यूनियन ऑफ इंडिया यूज नहीं किया, क्यों, यहां पर ध्यान रखना यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ राज्य या जिसको हम लोग स्टेट बोलते हैं वो आता है, बट टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट आते हैं, यूनियन टेरिटरी आती है और ऐसे क्षेत्र जिसको भारत फ्यूचर में कभी एक्वायर करेगा, इट मीन्स कि टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज अ वाइडर एंड अ ब्रॉडर मीनिंग एज कंपेयर टू द यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा है पहले बोले थे पानी भरने का भाग जाएंगे, चलो हो गया, देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, पहले हमने क्या देखा आर्टिकल वन हमको क्या बताता, भारत का नाम क्या होगा,
पता चल गया इंडिया डेट इज भारत, नाम पता चल गया। उस भारत में उसके बाद हमने क्या बोला, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज, हम वे ऑफ पॉलिटी हमने बताई कि उसकी भारत की राज्य व्यवस्था किस तरीके की होगी। तो हमने उसके अंदर बताया कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज हमको फेडरेशन ऑफ स्टेट यूज करना चाहिए। क्यों यूज किया, वो मैंने दो एक्सप्लेनेशन आपको दिया। अब जब हमने बता दिया कि भारत का नाम ये है, भारत की बाउंड्री ये है पूरी, अब हमें यह बताना है उस भारत में आता कौन कौन है, क्या क्या चीज आती है। तो उस चीज को बताने के लिए उसी आर्टिकल का जो दूसरा वाला पॉइंट है उसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया का यूज किया गया। तो हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्यों वर्ड यूज किया यूनियन ऑफ इंडिया की जगह, अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया लगाते तो इसमें यूनियन लगने की वजह से सिर्फ और सिर्फ उसमें राज्य शामिल होते हैं, लेकिन हमारे भारत क्षेत्र में सिर्फ राज्य थोड़ी ना है, यूनियन टेरिटरी भी है और कुछ ऐसे क्षेत्र जिसको भारत फ्यूचर में अक्वायर करेगा वो भी आते हैं। तो हमने इस वजह से, इस ब्रॉडर कॉन्वर्टेशन की वजह से टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड यूज किया। इट मीन्स अब हमको ये बताने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि भारत का अधिकार क्षेत्र यहां तक है, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे ये रीजन है कि जो भारत का जो संविधान है वो किन किन जगहों पर लागू होगा, दैट्स व्हाई वी डिफाइन आवर टेरिटरी। मतलब भारत का जो संविधान है 22 पार्ट 8 शेड्यूल 395 जो आर्टिकल थे वो भारत के कहां कहां पर लागू होंगे ये भी तो पता होना चाहिए, और कहां कहां पर नहीं लागू होंगे ये भी पता होना चाहिए। इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा। तो ध्यान रखो भारत का संविधान पूरी की पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में लगता है पूरी तरीके से, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहां पर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ कुछ लागू है, और वो कुछ जगह कौन सी है, जैसे नंबर वन शेड्यूल 5 के एरिए, शेड्यूल 5, अब शेड्यूल 5 में 10 स्टेट है, ये कौन से ऐसे क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और जनजाति राज्य क्षेत्र, इस पर थोड़ा अमेंडमेंट, संविधान पूरी तरीके से लागू वहां पे थोड़ा सा अमेंडमेंट करते। दूसरा शेड्यूल 6, इसमें कुछ इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर था लेकिन अब क्या हो गया है वो यूपी में आ गया है, तो इसको इग्नोर कि जो हमारा संविधान है वो पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया पे लगता है उसी तरीके से जिस तरह बना हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर कुछ कुछ प्रोविजन में थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। जैसे शेड्यूल 5 में क्या है ट्राइबल एरियाज है, 6 में भी ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की गई, इसमें लागू तो होता है संविधान लेकिन थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशन भी रहा, क्यों, क्योंकि वहां की जो नीड है वहां के जो लोग हैं वो उस तरीके के हैं कि अगर उनके ऊपर नॉर्मल तरीके से हम बिहेव करने लगेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। अब वो ट्राइबल लोग हैं, उनको नहीं पता कि दुनियादारी में क्या है, उनको नहीं पता अधिकार क्या है, उनको अपनी बेसिक नीड की जरूरत है, इस वजह से थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो अब एक चीज और देखते रहो, ये हो गया स्टेट, ये हो गया यूटी, अब ये बात आती है एक्वायर, एक्वायर का मतलब ऐसे क्षेत्र जिसको हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, अभी नहीं फ्यूचर में एक्वायर करेंगे। तो फ्यूचर में हम कैसे कर, मतलब उसको अपने में अधिग्रहित करेंगे, कैसे करेंगे अधिग्रहित, उसके पीछे क्या आएगी, जैसे कोई सपोज है श्रीलंका है, अभी श्रीलंका की हालत खराब है तो क्या हम जहाज पर हमला करके उसको शामिल कर लें, ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट, तो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ होने चाहिए, तो हाँ कुछ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जिसके आधार पर अगर कोई एक कंट्री है वो किसी दूसरी कंट्री के पार्ट को अपने में शामिल कर सकती है। अब वो कर टूल्स कौन कौन से हैं जिसके जरिए से ऐसा होता, सबसे नंबर वन क्या आता है उसमें, देखो सेशन, सेशन होते जो भी बोला तो बोला, दूसरा दूसरा है कॉन्वर्स, कॉन्वर्स है ऑक्यूपेशन, ये तीन मेन तरीके हैं इसको, और इसको करते हुए सिचुएशन भी कर रहे हैं, क्या है मुझे बता सेशन CESSION सेशन, दूसरा ऑक्यूपेशन और तीसरा है कॉन्क्वेस्ट और सब्जुकेशन, क्या है ध्यान रखो, जैसे
जैसे ध्यान दो, सेशन का मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत कुछ रियायत, सेशन को हिंदी में रियायत बोलते हैं, मतलब कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है उस ट्रीटी को फॉलो करते हुए अगर किसी भारत किसी भी क्षेत्र को हम अपने में शामिल करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पेस्टिसाइड का नाम सुना क्या होता है, एकदम मतलब कि अगर कोई बॉर्डर इशू है, टेरिटोरियल बॉर्डर इशू है और उस बॉर्डर इशू के ऊपर दो कंट्रीज तो डेफिनेटली है, जैसे सपोज इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का बांग्लादेश के साथ, तो वो बॉर्डर का जो मुद्दा है उसके ऊपर वहां के लोग क्या चाहते हैं तो उस पर वोट करवा दिया जाए, तो उस तरह के वोट को हम क्या बोलते हैं, पेल्बिसाइड। अब इस पेल्बिसाइड पर जो भी डिसीजन आएगा तो ये जो पेल्बिसाइड होगा किसी एक टेरिटरी या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑब्जर्वेशन में होगा, ऐसा तो नहीं कि इतने देश अच्छे नहीं होते कि अपनी जगह किसको दे दें, तो कोई थर्ड पार्टी होगी, जैसे सपोज इंडिया का बांग्लादेश के साथ किसी पर्टिकुलर लैंड पे मुद्दा चल रहा है और बहुत बवाल हो रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ, अब उसमें कोई थर्ड पार्टी जैसे यूनाइटेड नेशन मीडिएशन की तरीके से काम करे कि भैया थोड़ा नॉर्मल हो तो यार, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा ठीक है तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो, हम जो ये बॉर्डर इलाके हैं जो भारत और बांग्लादेश के ऊपर जो बॉर्डर के लोग रह रहे हैं उनके ऊपर हम एक पेस्टिसाइड करवा देते हैं, जैसा जहां के लोग चाहेंगे जो डिसीजन आएगा दोनों कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशन रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर पेस्टिसाइड उसने करवाया। अब सपोज जो भी डिसीजन आया उसके ऊपर जब स्टेप है, सपोज ऐसा डिसीजन आया कि बांग्लादेश का वो पार्ट भारत में शामिल होना चाहता है तो क्या होगा, वो तो भारत को वो करना पड़ेगा। ये किसने, रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर। ये काम कब हुआ था, सिक्किम के साथ, याद है ना अभी पढ़ाए आगे, सिक्किम के साथ क्या हुआ था, सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था चोग्याल डायनेस्टी जिसमें थी, बताएंगे आगे बताएंगे, इसमें क्या हुआ कि वहां के जब देश आजाद हो गया तो हम लोग एक एसोसिएट मेंबर की तरह, लेकिन एक टाइम के बाद 1974-75 में क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे क्या यार मन नहीं लग रहा, तो उन्होंने भारतीय उससे आग्रह किया था और भी कैसी चीज हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर जो भी है, तो इस तरह के टूल्स को यूज किया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन। तो क्या होगा, भारत ऐसे कोई भी देश को अपने में एक्वायर कर, दूसरा हाउ को दो जाके रखे किसी को, अब जैसे आजकल रशिया हाउ कर रहा है, यही है मतलब कांग्रेस, मतलब लड़ाई, सब्जुकेशन का मतलब अपने अधीन कर लेना, आधिपत्य अपने कर लेना, जैसे कोई कंट्री है छोटी सी हम गए श्रीलंका है जैसे, अब श्रीलंका के ऊपर गया हमने तड़ाके से हमला किया और श्रीलंका का हार हमारे अधीन हो गया, तो इस तरह की चीज, लेकिन क्या है इसमें थोड़ी सी ब्लेमिंग होती है, मतलब बेइज्जती होती है, जैसे यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर रहा था, रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर, तो ये सब्जुकेशन रहता है। तीसरा क्या था, ऑक्यूपेशन, ये बहुत प्यारा पॉइंट है, ध्यान रखना, ऑक्यूपेशन बहुत प्यारा है। नहीं मैं क्या बता रहा हूं, ये सबसे खराब एक्शन हमने रूल दिए, पेल्बिसाइड इज ए टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ध्यान रखना, अगर कोई टूल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है इसका मतलब हम उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज नहीं कर सकते, ये नहीं है, हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली कहां पे यूज होते हैं, उन कंट्रीज में जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, ये रूल है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो टूल है चार वो हम लोग इंडिया में यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन वो प्रीडोमिनेंटली कहां पे यूज होते हैं, जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी किया जा सकता है, ये मैंने बोला कि एकदम नहीं कर सकते है ना, इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे पॉइंट आएंगे इस पर, क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस मतलब क्या, कांग्रेस का मतलब इतनी नहीं क्या, फोर्स से, फोर्स से, हां तभी होगा तभी डिसाइड होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं हो सकता है कि दोनों देश के जो नेता हैं बहुत अच्छे हो जाएं, कि यार बवाल नहीं चाहते, जैसा अभी आप लोगों को याद होगा 2019-20 में कोई पर्सन है अफ्रीकन कंट्रीज के, उनको एक नोबेल मिला है, नाम याद आ रहा है, तो वो उन्हीं ने अपनी लैंड बाउंड्री बड़े पीसफुल माहौल में दूसरी कंट्री के साथ सॉल्व कर ली, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, उनको नोबेल मिला था 1920 में, तो विदाउट एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मतलब पेल्बिसाइड का मतलब है कि वहां पर वोटिंग हो रही है, कुछ
रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर काम होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, ध्यान रखना कि एक कोई ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर अभी तक किसी रिकग्नाइज्ड रूलर ने, क्या किसी रिकग्नाइज्ड रूलर ने अभी भी वहां तक अपना कोई अधिकार नहीं बताया, और हम वहां पे जाए और अपना माहौल स्टैब्लिश करें और फिर उसको जब अपने में शामिल कर लेंगे तो वो भी एक एक्वाइटेड पॉलिसी। डिस्प्यूटेड एरिया तो अलग है, डिस्प्यूटेड एरिया का मतलब दो कंट्रीज उसमें डिस्प्यूटेड है, अब उसके अंदर क्या है उसके लिए अमेंडमेंट है। अभी बेदुबारी का केस इसमें आएगा, अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा, अभी आएगा, ध्यान रखने की पॉइंट वहां पे आते हैं। यहाँ पे रूलर का मतलब क्या है, रिकग्नाइज्ड रूलर पर कहाँ पे हो गया, जैसे गद्दाफी थे अभी रूल रूलिंग कहाँ चलती, नॉर्थ कोरिया है तो वहां पे वो रूलर हो जाएगा, लेकिन कोई रिकग्नाइज यहाँ पे रूलर का मतलब सिर्फ रूलर नहीं है, ये कोई स्टेट भी हो सकता है। जैसे सपोज कहीं इंडियन अलास्का में कहीं पर एक छोटा सा टापू है उसके ऊपर अभी कोई कंट्री नहीं पहुंची है, रिकग्नाइज जैसे अमेरिका रिकग्नाइज स्टेट है, यूके रिकग्नाइज स्टेट है, मतलब उसको एक स्टेट है वहां पर अभी नहीं पहुंची है, और वहां पर जाए भारत और उस पर अपना सिस्टम कहते हैं हम यहाँ पे हम लोग हैं, तो वो क्या होगा वहां पर ऑक्यूपेशन, अभी तक किसी ने क्या भारत जाए फिर उसको अपने अंदर शामिल करो, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये तीन तरीके में प्रोसेस। सब्जुकेशन का मतलब क्या था, या कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है लड़ाई के तरीके से, एक सब्जुकेशन का मतलब होता है अपने अधीन करना, तो अपने अधीन करना या तो आप कॉन्क्वेस्ट करके करोगे या तो अपनी डिप्लोमेसी के तहत करोगे, डिप्लोमेसी के तहत करोगे सब्जुकेशन मतलब अपने अधीन करना, कैसे भी करो या तो आप लड़ाई करके करोगे तो कॉन्क्वेस्ट कह रहा है, और सब्जुकेशन का मतलब क्या होता है अपनी पॉलिसी के तहत आप सब्जुकेट करो, जैसे चाइना करता है किसको डेथ ट्रैप पॉलिसी में, वो दूसरी दूसरी कंट्री को करता है, वो सब्जुकेशन ही एक तरीके से। तो ये भी एक इंटरनेशनल रूल है, तो ये है आपका आर्टिकल 1। जल्दी समराइज करें, जल्दी से समराइज करें, आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 1 से हमको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चलती, उसका नाम पता चलता, तो क्या है इंडिया दैट इज भारत दोनों नाम है, उसके बाद हमको ये पता चलता है कि उसकी पॉलिटी किस तरह की है, मतलब वहां पर राज्य व्यवस्था किस तरह चलती है, तो हमने उसके लिए क्या यूज किया था यूनियन ऑफ स्टेट, भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा आपने ये आप हो फेडरेशन लेकिन आप यूनियन ऑफ स्टेट यूज कर रहे हो, तो कहने इसके पीछे दो रीजन, पहला रीजन क्या बताया मुझे कि हमारा जो फेडरेशन है वो किस तरह का है, यूएसए की तरह नहीं है, जैसे यूएसए में कुछ लोग मिले कुछ स्टेट मिले उन्होंने कहा कि मेरी ऑटोनॉमी को खतरा नहीं होना चाहिए, हम कभी अपनी तरफ से ये तो सहमति के बाद वो बने थे, हम सहमति के साथ ही बने, हम पहले बन गए और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए मतलब कि प्रशासनिक सहूलियत के लिए हमने देश को छोटे छोटे से हिस्सों में बांटा है, पहला पॉइंट यह था। और दूसरा पॉइंट क्या था कि भारत के किसी भी राज्य को भारत से हटने का अधिकार नहीं है, मतलब एक बार अगर जो भारत का बन गया तो भारत नहीं रहेगा, अब तमिलनाडु वाले कह रहे थे हट पाएंगे होंगे जाएंगे, ये पॉइंट हो गया, ये पता चल गया। अभी हमने भारत का खाका खींच दिया, अब उसके खाते मानसून रोक देगा तो रोके बन जाओ, मानसून दो तरह का है ना, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून होता है ना, चलो फिर बढ़ोगा है, तो ये हो गया। उसके बाद तीसरी चीज की थी कि भारत तो ये है लेकिन भारत के क्षेत्र में आता क्या क्या है, तो भारत में क्या क्या था, भारत के स्टेट आते हैं, यूटी आती और एक्वायर्ड क्षेत्र आते हैं, एक्वायर्ड को हम तीन तरीकों से मेनली करते हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, इनमें 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 इन तीनों में वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निकाले थे, जब मैं बता रहा हूं थोड़ा कॉन्सेप्ट चलेंगे, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है, अगर सेंट्रल जो हमारी संघ है उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है इसके साथ, कैसा रिलेशन है और इसके साथ कैसा रिलेशन, ध्यान रखो शायद आपको क्वेश्चन ना भी समझ पाओ, बता दो ये जो स्टेट है इसके साथ हम लोग डिवीजन ऑफ पावर शेयर करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब बना हुआ है कि इस पर तुम कानून बनाओगे
इस पर राज्य कानून बनाएंगे, इस पर दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन यूटी और एक्वायर्ड क्षेत्र के साथ डिवीजन ऑफ पावर नहीं लगता। मतलब यूटी उतने पर ही कानून बनाएगी कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दे। तो मतलब क्या है, यहाँ पर प्रीडोमिनेंसी किसकी है, सेंट्रल की। तो ये एक किस चीज का फीचर हो सकता है, फेडरल का या यूनिटरी का? यूनिटरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, मैंने पूछ जाएगा आर्टिकल वाली क्या है। बढ़े आगे, बढ़े आर्टिकल टू जल्दी कर दो। ये देखो, ये है सेंटर, ठीक है। क्योंकि कहाँ है कुछ नहीं, यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य के साथ कैसा रिलेशन है, तो ये किस तरह का रिलेशन है, डिवीजन ऑफ पावर का यहाँ पे फुल्ली तरीके से यूज किया है। डिवीजन ऑफ पावर क्या है कि हमने पावर को डिवाइड कर दिया है। पावर का जी कानून बनाने की पावर, तो कानून बनाने वाली पावर को लेजिस्लेचर बोलते हैं। और ये सातवीं अनुसूची है, तो सातवीं अनुसूची के तहत कुछ चीज पे कानून संघ बनाती या सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ पे राज्य सरकार और कुछ पे दोनों लोग बनाते। तो डिवीजन ऑफ पावर राज्यों के साथ होता है। क्या यूटी के साथ होता नहीं? क्या यूटी के साथ डिवीजन ऑफ पावर होता नहीं? नहीं होता। और ऐसे क्षेत्र जिसको हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, क्या उनके साथ डिविजन ऑफ पावर होगा? नहीं, नहीं होगी। वो भी बाद में डिसाइड करेंगे। और ये सारा खेल कल कौन रहा है, कल कौन रहा है ये सारा खेल? ये सारा खेल कर रही है पी ए आर आई आई ए। आगे जानते हो पार्लियामेंट, सारा खेल पार्लियामेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बताया जाएगा आपको कि प्रेसिडेंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, गृह मंत्रालय कर रहा है, नो पार्लियामेंट। आर्टिकल वन खत्म हो गया। आर्टिकल टू, आर्टिकल टू सेक्शन ने बता दिया, बताने की जरूरत नहीं, कोई उससे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आर्टिकल टू मिस्टर, ये आर्टिकल टू क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जो भारत का पार्ट नहीं है, कहीं दूसरी जगह है, कहीं यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, हाँ यहाँ बैठा है। और सपोज भारत यहाँ हवेली जो यहाँ जाएंगे, तो दो तरीके, या तो यहाँ पर कोई अधिकार रखे होगा या तो नहीं रखे होगा। अगर अधिकार रखे होगा तो उसे तीन तरीकों से निपटेंगे। अगर सपोज वहां पर कोई कंट्री होगी तो उसको अपने में शामिल करने का तरीका क्या है, या तो सेशन के जरिए करेंगे, या तो उसको भोगेंगे, और या तो तीसरा वाला तरीका कौन है, आप पूछ रहा हूँ पहले, हम अपना इलाका बना रहा हूँ। नहीं, ऑक्यूपेशन इज अ टाइप with which we acquire any place which is not belong to our earlier before। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो भारत का पार्ट नहीं है, उसको भारत का पार्ट बनाने के तीन तरीके हैं। या तो हम सेशन कर ले। अब सेशन कैसे होगा, जब वहां पर कोई पहले से हो उसी के साथ तो कराया जाएगा, कि कोई ना दूसरे को भूत करवा देगा, कोई होना चाहिए ना वहां पर, तो सेशन हो गया। कॉन्फ्रेंस लड़ाई किससे करोगे, जब कोई हो, अगर हवा में तलवार चलाओ क्या, हवा में गोले लागे क्या? और ये ऑक्यूपेशन क्या बना, ऑक्यूपेशन आएगा जब वहां पर कोई ना हो, तो वहां पर पहले हम पहुंच गए। हाँ तो उसी को ही मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल टू ही को ही तो मैं बता रहा हूँ। ऑक्यूपेशन का देखो, मैं फिर से बोला आर्टिकल टू क्या है, आर्टिकल टू उस क्षेत्र के बारे में बोलता जो कि भारत का हिस्सा नहीं है। अब भारत का हिस्सा नहीं है तो भारत का हिस्सा बनाने के लिए दो कंडीशन है, या तो जिसको भारत का हिस्सा बना रहा हो किसी के अधिकार क्षेत्र में हो, तो अगर अधिकार क्षेत्र में होगा तो दो तरीके से भारत का हिस्सा बनेगा, और अगर किसी का अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो तीसरे वाले तरीके से बनेगा। सिंपल, इज दैट सिंपल। आगे बढ़े आर्टिकल तीन, आर्टिकल तीन में बता चुका हूं फिदा कि भारत की बाउंड्री में चेंज इंक्रीमेंट किया जाएगा, उसके एरिया में डिमिनिश किया जाएगा, बाउंड्री को अल्टर किया जाएगा, नाम को अल्टर किया जाएगा, है ये सिंपल सा इसके तहत होगा। अब ध्यान से देखो बात उसके आगे, बात ये आई कि जो हमारा भारत है उसमें रेड क्लिफ योजना, रेड क्लिफ पाकिस्तान, हाँ तो कहा था आप उसमें एप्लीकेशन किया था, बता दीजिए।
ताकि आप समझ जाए। अब हुआ क्या कि हम लोग आजाद हो गए, आजाद हो गए, तो आजाद होने के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसी लैंड बाउंड्री होगी वो किसने डिफाइन की? रटलेज साहब। रटलेज साहब बड़े जल्दी नजर आते थे हमारे, क्या कलीम वो है मिशन भाई, मिशन भाई है, तुमका क्या काम है? हर काम बड़ी स्पीड में साइकिल चलाए तो इतनी तेज मारे, पहली बार साइकिल से पहली बार तुम्हारा सीधे चली जाती है, तो उनके कई बार यहाँ पे चोट लगी, हर काम चलते। तो रटलेज साहब यही थे। अब जब पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री को तुम डिमार्केट कर रहे हो तो थोड़ा आराम से करो। हाँ ठीक है, हाँ हो गया, एक जना कर रहे थे वहां पर प्रिंसिपल कम पड़ गई, ऐसे हो गया, अब यही बवाल हो गया। मैं खेल गया हूँ और वही हो गया बवाल। आपको समझ ही नहीं आया कि सारा ये जो थे वो तो करके चले गए, हम जा रहा है तुम देख लेना, तो चले गए। अब इतना रीजन बवाल कर गया। अब पाकिस्तान जैसे अलग हुआ तब से हम लोग एकदम फरिया बना हुआ, परेशान करिए। अब यहाँ पर एक केस था वेस्ट बंगाल के पास जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड, वहां पर बेरुबारी युद्ध हो रहा, क्या बोला जाता है? बेरुबारी। अब बेरुबारी वाला केस था, तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की ये मेरा क्षेत्र है भारत, तो पाकिस्तान का दिव्यांग करना, अभी किस कौन सा साल चल रहा है? 1955 प्लस, या मैं तो बोलूं 1960 डायरेक्ट दे रहा हूँ, 1960 का साल चल रहा है। अभी बांग्लादेश भी बना है, बांग्लादेश का बना है 1970 में, 1970s में है, हाँ ना 70s में बोल दिया आपस में देख लिया तब बना। इसका मतलब क्या है? उससे पहले पाकिस्तान, उसको क्या बोला? उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश के बारे में, उदय गंदा करके बात कर रहे हैं बाद में, तो यहीं पर कहीं छोटी सी एक्चुअली जगह रही हुई जिसको भोली वाली बेरू वाली बोला जाता, वो कंफ्लिक्ट था, उसमें कंफ्यूजन की भारत कैसा या पाकिस्तान कैसा। तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां के प्रधानमंत्री थे नून। तो एक बड़ा, अभी आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मेंस में ये सब लिखने को आपको मिलेगा, तो एक नेहरू और नून एग्रीमेंट हुआ, क्या हुआ? नेहरू एंड नून एग्रीमेंट, नून बट नून, इट इज नून, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ कि अब हम लोग इसका सेटलमेंट आपस आपस में किए। तो उन्हीं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि ये जो हमारा आर्टिकल 3 में जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, डिमिनिश ऑफ स्टेट है, ये जो है इसमें सेशन वर्ड भी यूज है, इसके अंतर्गत ही इंक्लूडेड है, मतलब कि हम कोई एक भारत का क्षेत्र है उसको काटे और किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। जैसे ही उन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल यूज करके पाकिस्तान को देने की बात की, और पाकिस्तान से मतलब सेटलमेंट करने की बात की, लैंड बाउंड्रीज थी ना उसका सेटलमेंट करने की बात की, तो मेरे साथ नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 नॉर्मल मेजोरिटी से हो रहा है, कोई इशू नहीं होगा। जब ये देखा गया तो कुछ भाई वाले पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहा भैया, ये क्या कर रहा है, जो मना कर रहे अपने घर की खेती समझ लिया। तो उनके बारे में फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट में केस दिया किस नाम से? बेरुबारी यूनियन केस, बेरुबारी यूनियन के 1960, क्यों? इसी पर्टिकुलर लैंड बाउंड्री के लिए। और केस में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिंग दी कि अगर कोई लैंड बाउंड्री इशू है और उस रिस्पेक्ट में, या ऐसे बोलूं कि अगर कोई भारत का क्षेत्र है और अगर भारत अपने क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र को देगा, दूसरे राज्य या दूसरी कंट्री को देगा, तो उसको देने के लिए भारत को आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर भारत का कोई भी क्षेत्र भारत किसी दूसरी कंट्री को देना चाहता है, जैसा कि बेरुबारी वाले केस में हो रहा था, उसको देने के लिए भारत को आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, तब ही वो किसी दूसरे देश को दे पाएगा। अब यहां पे ध्यान रखना, एक तो यह वर्डिंग, आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो सारे सिंपल मेजोरिटी से होंगे,
ये ध्यान रखना सारे, सिर्फ एक चीज आपकी स्पेशल मेजोरिटी जो कि आर्टिकल 368 में मेंशन उसके तहत होगी, वो कौन सा है, अगर भारत अपने राज्य का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे, तो ये इस वाली मेजोरिटी के तहत आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा। बाकी जितने भी हैं वो कैसे किए जाएंगे, सिंपल मेजोरिटी, कुछ भी आए सिंपल मेजोरिटी से लगा देना, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि भारत अपना हिस्सा अगर किसी दूसरे देश को दे रहा है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत किया जाएगा। पहला पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया। एक पॉइंट और भी था कि अगर भारत का किसी भी देश के साथ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, हमारा सबके साथ कई लोगों के साथ, चाइना के साथ है, हमारा पाकिस्तान के साथ है, हमारा बांग्लादेश के साथ है, कई जगह, अगर भारत का किसी भी कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट होने में ध्यान रखना उसमें भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव एक्शन से काम बन जाए। ये दो डिफरेंट चीज थी जो सेंट्रल में डिफरेंट है, बाकी सब कुछ है। अभी एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या है, मतलब जैसे डोकलाम विवाद हुआ था, इधर से भारतीय सैनिक उधर से चाइनीज सैनिक आपस में एक पर्टिकुलर रीजन में लगे हुए थे कि मेरा क्षेत्र है और मेरा क्षेत्र, तो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ। अब इसके ऊपर जो डिसीजन लिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले लेगी बस वो मान लिया जाएगा एग्जीक्यूटिव एक्शन, उसके लिए मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, बाकी का प्रोसेस आगे होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन से काम हो जाएगा। अगर हम अपने अधिकार क्षेत्र वाला हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, जैसा कि बेलू वाले वाले केस में हम दे रहे थे बांग्लादेश को, तो इस तरह का करने के लिए संविधान में संशोधन होगा जो कि आज के 368 के तहत माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी त्रिम झाम है किसी भी चीज के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सब सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। देखो देखो क्या होता है, जब कंफ्लिक्ट को खत्म करने की बात है, जैसे दो कलाम विवाद है, अब वहां पे क्या हुआ, पार्लियामेंट से पहले लेजिस्लेशन पास करवाया, तब तक आप मुहूर्त दिए जाएंगे, तो क्या टेम्परेरी पॉइंट अल्टीमेटली आके आपको किसी ना किसी चीज पे पार्लियामेंट, अब जैसे डोकलाम वाला रीजन था, डोकलाम वाले रीजन की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को पता क्या थी, भूटान के साथ प्रोसेस है, तो अब उस तरह की प्रोसेस को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं लेकिन चाइना प्रीडोमिनेंटली हमसे कह रहे हैं लैंड डिस्प्यूट वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है उसमें वो हमारे ही अधिकार क्षेत्र में, जिस पर मेरा ही अधिकार है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, हम अपनी लैंड बाउंड्री उठा के उसको देंगे। एग्जीक्यूटिव एक्शन, अब ये तो भाई एज पर रूल क्या प्रोसेस है वो देखने पर, इससे क्योंकि अगर हम एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सी और चीजों को पीछे देख रहे हैं, तब हम ये वाला डिसीजन ले रहे हैं, और ये बहुत रेयर केस में ऐसा हो रहा है। अभी आपने देखा होगा वो 30 तारीख काली दीवार का कॉन्सेप्ट देखा है चाइना वाले ने, क्या बवाल हुआ है, हुआ कुछ, कितना विपक्ष कहता है कि यहाँ पर चाइना वाले घुसाएं कहे नहीं कर रहे क्योंकि है ही, लेकिन ये रूल है किस तरीके से किया जाता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन से लैंड डिस्प्यूट के ऊपर बात की जाती है, और लैंड डिस्प्यूट जो कि कंफ्लिक्टेड हो, ना कि ऐसे नहीं कि पीओके वाले, पीओके पे भी तो है, पाकिस्तान वाले का तो मेरा हिस्सा है, तो इंटरनेशनल मैप में भारत का जो मैप है ना वो बड़ा अजीब सा दिखाते हैं, तो आर्टिकल 3 है, बासमंदारी आगे बढ़े। आर्टिकल 4 क्या कहता कि इसमें जितना बवाल हुआ है 2 में 3 में वो सब पार्लियामेंट करेगी और सिंपल में करेगी। वहां के सिटीजन क्या होगा जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। इन फ्यूचर क्या होगा, हो सकता है सिटीजनशिप मिल जाए, नहीं मिले, जो भी मिलेगी सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी।
जैसे सब काम सिंपल मेजोरिटी से होंगे उसी तरीके से क्या होगा ये सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या आपको प्रश्न होगा, सिटीजनशिप दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में था। 74 में इसके बारे में बवाल क्यों था? जब बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में, अब बांग्लादेश के बाद होने के बाद उसको पब्लिश ही नहीं किया गया। इसके बाद है, इसके बारे में कल बात करेंगे। तो समराइज करते हैं, जल्दी से समराइज करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट वन आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है और शेड्यूल पहले इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 1 क्या कहता, पूरा बताओ। यूनियन ऑफ स्टेट। इस आर्टिकल से हमको क्या क्या पता चलता है कि भारत का नाम क्या, भारत की पॉलिटी क्या, हमने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों रखा, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं रखा। इसके पीछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्सेप्ट बताया, दोनों कॉन्सेप्ट समझे। उसके बाद भारत के क्षेत्र में क्या क्या आता, स्टेट, यूटी और ऐसे क्षेत्र जिसको हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे। अगर एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए हमने 3 तरीके बताए, सेशन, कॉन्क्वेस्ट, सब्जुगेशन और ऑक्यूपेशन। इसके पीछे भी डिफरेंस हमने बता दिया। और आर्टिकल 2 क्या है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, क्या कि ऐसा क्षेत्र जो कि भारत का पार्ट ना हो उसको भारत का पार्ट बनाना, भारत का पार्ट ना हो मतलब कहीं और है, कहीं और है या तो सल्ला खुल्ला है या तो उसके ऊपर किसी का अधिकार है। अगर किसी का अधिकार है तो 2 तरीके हैं, सेशन, कॉन्क्वेस्ट या सब्जुगेशन। और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे वहां पर, ऑक्यूपेशन के तहत उसको लिए। आर्टिकल 3 क्या है, भारत की इंटरनल बाउंड्री में अगर कोई चेंज करना हो तो हम किसके तहत करेंगे, सिंपल मेजोरिटी के तहत करेंगे। अब और आर्टिकल 4 क्या कहता कि 2 और 3 में जो भी चेंजेस हो सिंपल मेजोरिटी से होना है। इसमें कुछ एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन क्या था कि भारत अगर अपना अधिकार का क्षेत्र किसी दूसरे को देगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत होगा। और अगर कोई लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है और थोड़ा सा कंफ्लिक्टेड वाली है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव एक्शन से काम किया जा सकता है। अब एक फैक्ट और ये चैप्टर क्लोज, चैप्टर नहीं क्लोज, ये सेशन क्लोज। एक फैक्ट क्या है, ध्यान से देखना कि सपोज दैट आर्टिकल 3 के तहत अगर पार्लियामेंट किसी एक राज्य का एरिया कम करने जा रही है या उस राज्य का नाम बदलने जा रही है, मतलब क्या हुआ, राज्य में तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तो क्या राज्य को बताया जाएगा? अब इसका प्रोसेस है, इसका एक प्रोसेस है। अगर लगता है कि पार्लियामेंट को लगता है कि हमें किसी राज्य का नाम या कुछ चेंज करना है तो क्या होगा कि सबसे पहले इस प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति जी से पहले परमिशन मांगी जाएगी। और राष्ट्रपति जी से वो कौन सी दूसरी चीज है जिसके लिए परमिशन मांगी जाती है, ऑर्डिनेंस तो कर देते हैं परमिशन, जैसे वो कौन से ऐसे बिल हैं कि जिसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की सलाह मांगी जाती है। 2 है, पहला है मनी बिल और दूसरा वो तो उसके अंदर फाइनेंशियल बिल के कहेंगे, जैसे मनी बिल में और दूसरा आपका यही वाला स्टेट रिऑर्गनाइजेशन। अगर किसी एक राज्य का नाम बदलना, उसकी बाउंड्री में चेंज करना और उस पर कुछ चेंजेस करने तो राष्ट्रपति जी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस। तो होगा क्या, प्रस्ताव है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले राष्ट्रपति जी से परमिशन लेगी। अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी वो प्रस्ताव भेजेंगे जिस स्टेट में चेंजेस किए जा रहे हैं वहां भेजेंगे, वहां पर भेजने के बाद कहेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको ये बताना है, अपनी राय देनी है कि हम आपके राज्य के साथ ये करने जा रहे हैं। सपोज दैट एक राज्य को काट के 2 राज्यों में बदलना है तो क्या होगा, राष्ट्रपति जी के पास ये पहले जाएगा। अब राष्ट्रपति जी उस राज्य को ये प्रस्ताव भेजेंगे, कहेंगे हम पार्लियामेंट ऐसा करने जा रहे हैं, आप इससे सहमत हो या नहीं सहमत हो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बता दो। अगर बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो भी ठीक। अगर तुमने कहा कि नहीं 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 हम नहीं सहमत है तो चुप पे बैठ जाओ, खाली अब फॉर्मेलिटी अदा कर रहे, खाली तुमको बता रहे हैं कि तुमने बिरयानी बनाई है तुमको खाने जा रहे हैं। हाँ, सिंपल फॉर्मेलिटी है। डिस्ट्रिपुलेटेड टाइम में अगर आप ही गया और अगेंस्ट में आ गया तो हम तो राजा हैं,
और इसी से क्या पता चलता कि हमारा जो राज है उनको अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री की कोई कंट्रोल नहीं। जब मानेगा कुछ चीज का मैं फिर से बात करूं कि अगर किसी राज्य के संबंध में आर्टिकल 3 का यूज पार्लियामेंट करने जा रही है तो क्या करेगी, सबसे पहले तो राष्ट्रपति से प्रायर परमिशन लेगी। राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर राज्य को भेजेंगे कि भैया हम ये करने जा रहे हैं, अब इस टाइम पीरियड के अंतर्गत हमको बता दो क्या तुम इस बात से सहमत हो या नहीं। अगर सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो तो भी ठीक है, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे जो मेरा मन करेगा, हम तुम्हें से बता। हाँ यही है, ये चैप्टर नियरली कंप्लीट हो चुका है। अब सारी चीजें हम इसके ऊपर देख लेंगे। अब हमें इसके ऊपर देखना क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड पावर, कि भारत में जब संविधान लागू हो गया तो भारत में क्या था, संविधान जब लागू हुआ तो 1956 से पहले अभी जैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे नहीं थे, उसके चार हिस्से थे, चार ग्रुप थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये संविधान बनने से लेके 1956 तक था। अब इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में बड़ा बवाल हुआ। एक पर्सन थे, उन्होंने भूख हड़ताल की 56 दिन की, उनकी डेथ भी हो गई। फिर आंध्र प्रदेश का बनना हुआ, फिर धर कमीशन ऐसा कुछ हुआ, फिर जेबीपी कमेटी आई, फिर उसके बाद फजल अली आयोग आया, फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। ये सब हुआ है, ये कब होगा, कल होगा, कल के बारे में बात करेंगे, है ना, आज नहीं करेंगे क्योंकि आप सब है ना। तो आज के लिए इतना ही, किसी को कोई डाउट, एनीवन नहीं, आओ ठीक है।